नमस्कार। आज हम लोग गुड टच और बैड टच के बारे में बात करेंगे। अमूनम हर घर में बच्चों को हम संस्कार की बात करते हैं, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दादा दादी की इज्जत, नाना नानी की, और लोगों को कैसे प्रणाम करना, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। पर एक चीज़ भूल जाते हैं, वो बच्चों को ये बताएं कि सही और गलत टच क्या होता है। उनकी सुरक्षा के बारे में जो बात करनी होती है, हम लोग करीब करीब भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज हमारे घर में और बाहर दोनों तरफ इस कुछ तरह के लोग होते हैं जो विकृत मानसिकता के होते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं और उनके साथ गलत कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सतर्क होने की ज़रूरत है। और एक चीज़ अभिभावकों से बिल्कुल कहना चाहेंगे, दिमाग में ये बातें ना रखें कि ये सारी चीज़ें सिर्फ छोटी छोटी बच्चियों को बताया जाए, ये लड़कों को भी बताया जाए। क्योंकि जो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, उनके लिए लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है, वो किसी के साथ भी कभी भी गलत कर सकते हैं। और इसके लिए हमें बच्चों को सतर्क करना है, बताना है कि तुम्हारे कौन से व्यक्ति हैं जिनका टच तुम्हें अच्छा लगता है। माँ का आलिंगन अच्छा लगता है, पिता का स्पर्श अच्छा लगता है, लेकिन बाहर वाले अगर आपको गोद लेते हैं या बैठाते हैं, तो आपको बिल्कुल उनके पास नहीं जाना है। कोई बाहर का कुछ भी देता है, उसे नहीं लेना है। दूसरी चीज़, माता पिता को ये बच्चों को बताना चाहिए बैठ के, खास करके 4 साल की उम्र के बच्चे जब हो जाते हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत मत हो जाइए कि आपके घर में चाचा हैं, चाची हैं, मामा हैं और दादा दादी हैं, और जो भी हैं ड्राइवर है, सब बच्चों को देखेगा। अभी आप बच्चों को एक चीज़ करें कि बताएं कि जैसे एक तितली होती है, उड़ती है, तो आप उसको छूते हैं तो कैसे भागती है, क्योंकि उसे आपको अच्छा नहीं लगता है आपका छूना। कुत्ते को आप देखें, डॉग बाहर में होता है, अगर आप उसे टच करने जाते हो, छिचा चिल्ला के बोलता है कि भौं भौं भौं। उसी तरह अगर कोई भी बाहरी आदमी बच्चों को अगर इस तरह टच करता है, और बच्चों को चिल्लाने की आदत डालने की प्रैक्टिस करानी चाहिए कि कोई भी गलत अगर आपको छूता है, तो आप किस तरह अपनी सुरक्षा के लिए चिल्लाएंगे और अपनी मम्मी पापा के पास दौड़ के आएंगे। इसके लिए 2 चीज़ें हैं। अभिभावकों को अपने बच्चे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना हो, ताकि बच्चा कभी भी उसके साथ कुछ गलत हो तो बिल्कुल आके अभिभावकों को बताए। क्योंकि अगर बच्चे का आपके साथ अच्छा तालमेल नहीं होगा, तो शायद बताने में उन्हें शर्म आएगी और वो डरेंगे। इस डर को आपको निकालना है। दूसरी चीज़, बच्चों को हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई भी हादसा बच्चे के साथ होता है, तो वो बच्चा शायद पूरी ज़िंदगी उसको नहीं भूल पाता, और साइकोटिक टेंडेंसी उसमें आ जाएगी, और बाद में हो सकता है कि अपराध बोध की वजह से वो मेंटल केस भी बन जाए। इसलिए समय रहते बच्चों को सही और गलत टच के बारे में बिल्कुल बताएं, घर से लेके स्कूल, इसके लिए जागरूक हों। और जागरूकता आएगी तो बच्चे सुरक्षित होंगे, और बच्चे सुरक्षित होंगे तो आप खुश होंगे।